चल बेटा रोटी खा। अरे ये फिर भाग गया, न जाने इस लड़की की आवाज सुनकर इसको क्या हो जाता है। कल तुम बाप में खेलने नहीं आए? मेरी माँ नाराज होती है, कहती है भिखारी और अमीर का क्या साथ। कहती तो मेरी आया भी यही है, मगर इससे क्या, घोड़े पे बैठोगे? गिरा तो नहीं दोगी? नहीं, गिरने लगोगे तो संभाल लूंगी। राई, इन्हें भी मेरे साथ बैठा दो। बहुत अच्छा। आज फिर भाग गया, अब तुम ही बताओ मैं इसे कैसे समझाऊं। राजकुमारी है और एक रास्ते का भिखारी, मगर तुम ये भूल गई कि दोनों खिलौने एक ही कुंभ में तैयार किए हैं। अरे ये तो लड़ने आई है जलील कहीं की। अगर गरीबी का नाम जिल्लत है तो चांद सूरत के पास भी रुपयों की थैली नहीं होती, क्या वो भी जलील है? श्यामू की माँ,
तुम्हारा हौसला बढ़ता जा रहा है। पिता वक्त की याद आता है सरकार, तभी श्याम के पिता भी। मुझे अफसोस है कि मैं इससे ज्यादा रियायत नहीं कर सकता। अब तुम कोई और इंतजाम कर लो, तुम्हारे शामू के लिए मेरे बाग में कोई जगह नहीं। मैं इसे यहाँ खुद नहीं रखना चाहती सरकार, भगवान की मार सहन कर ली थी, धनवान की मार सहन नहीं की जा सकती। शामू माला बेटे, अब उधर क्या देखता है, महल और झोपड़ी का मिलाप नहीं हो सकता, चल इधर। जाने आज किसका जानवर मरा है। अरे देख तो जाकर, अपने जानवर तो सब ठीक है ना। सुबह तक तो सब ठीक थे चौधरी साहब। तो चौधरी जी, कोई मुसाफिर न मर गया हो? मुसाफिर, चलो देखें न जाने परदेश में किसका चराग बुझा है। आग आंसू से नहीं बुझती बेटा, दो निवाले खा लो। अकेले मन नहीं चाहता तो मैं भी बैठा जाता हूँ। बलराम लो खा लो, खा लो। मैं नहीं खाऊंगा। फिक्र न कीजिए, बच्चा जरा डर गया है, मैं अभी दवा भेजता हूँ, ठीक हो जाएगा। चंपा, चंपा, एक गिलास पानी लेना। हेलो, लाओ। चंपा तुम कहाँ हो? अंधेरा अंधेरा, बत्ती जला।
बत्ती जला। बत्ती तो जल रही है। बत्ती जल रही है तो चंपा मुझे कुछ दिखा नहीं देता, मुझे कुछ दिखा नहीं। कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, वो बचपन के दिन भुला न देना। चंपा, अरे ओ चंपा, क्या है? एक गिलास पानी तो ला देना जरा। हो गए, खुद भी व्याकुल रहते हो और मुझे भी व्याकुल कर देते हो। आखिर कब तक गाते रहोगे ये गीत? इस गीत में तो मेरा जीवन है चंपा, ये तो मेरे जीवन के साथ साथ ही खत्म होगा। तुम्हारा ये राग तो आज तक मेरी समझ में नहीं आया। कैसे समझेगी? मेरे गीतों में बोल मेरी मगर आवाज किसी और की होती है चंपा। समझ नहीं पाती मगर जब सुनती हूँ तो दिल डावाडोल होने लगता है। चंपा, क्या हुआ? दिल की बातों में ना आना चंपा। चोर घर आता है तो धन ही लूट कर जाता है ना, मगर दिल का चोर कुछ भी बाकी नहीं छोड़ता। घर के घर वीरान कर दी है इसने। कहाँ चल दिया भैया, बैठो। अरे तूने फिर रस्सी खोल दी पगली है? मालूम होता है भैया का इरादा आज फिर भागने का। भागने की जरूरत नहीं है भल्लम, और ना ही अब ढूंढने की कोई जरूरत है। अच्छा जी, मालूम होता भैया ने आज कुछ पा लिया है? हाँ मैंने पा लिया। क्या? आंखों की दुनिया तो खो चुका हूँ भल्लम, अब मेरे गीत ही मेरी दुनिया है और इसी में मुझे रहना है ना भैया। हाँ। गीत तो मैं भी बड़े जोरों का गाता हूँ। हाँ। किसी दिन सुन लेना, कसम भगवान की बरसों घड़े में मुंह डालकर रियाज किया। अरे तू चीखता है, तेरे गीतों में मोहब्बत कहाँ है बल्लम? अच्छा मैं चीखता? और क्या, मेरे गाने में मोहब्बत नहीं? बिल्कुल नहीं। सुना तुमने? बड़े आए गाने वाले। तुम्हारे गीतों में किसकी मोहब्बत है श्याम? मेरी बेटी माला, आप हैं लाला लाभचंद और आपके बेटे डॉक्टर किशोर हाल ही में व्याना से आंखों की डॉक्टरी पास करके आए। तुम लोग यहीं चाय पियो और हमारी चाय दूसरे कमरे में पियो। आइए साहब। बेटी
अब आपसे क्या छुपाऊं? रानीगंज के जिम्मेदार पूरे 2 लाख रुपए दे रहे थे, मगर मैंने कहा नहीं, राय साहब जो भी दे देंगे मुझे इनकार ना होगा, पहले वो फिर दूसरा। आप इत्मीनान रखिए, मैं किशोर को हासिल करने के लिए दूसरों से ज्यादा कीमत अदा कर सकता हूं। मेरी एक ही लड़की। तो लड़का किसका है? हीरे की कीमत सिर्फ जौहरी लगा सकता है। इसकी क्या जरूरत है? हम तो पैसा नहीं मोहब्बत देखते हैं, पैसा तो हाथ का मैल है। समाज के कानून के मुताबिक मैंने कीमत पेश की चुका दी है, अब बात पक्की और लड़का मेरा हो गया। जी हाँ, किशोर कहीं शहर के लिए जाना चाहता है, इसलिए मैं इजाजत चाहता हूँ। तशरीफ रखिए, चाय आ रही। और साथ ही इसके मैं तब्दील आब हवा के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। ये कोई शक्कर कितनी? शक्कर बस काफी, मगर मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा, कुछ 2 हफ्ते में। केक खाइए। शुक्रिया। ये माला, तुम दूर हो मगर तुम्हारी याद मेरे पास है। मैं तुमसे मिलकर तुम्हारा हो गया हूँ, मोहब्बत की लहरों में हमेशा के लिए खो गया। मुझे यहाँ दुनिया की सब खुशियाँ मिल गई हैं, एक तुम्हारी कमी महसूस कर रहा हूँ। मेरी कमी और क्या लिखूँ? तुम्हारा किशोर, मेरा किशोर। याद में तेरी जहाँ को भूलता जाता हूँ मैं, भूलने वाले कभी तुझको याद आता हूँ मैं। क्या कह रहा था भला? कुछ भी नहीं कह रहा था। कुछ कह तो रहे थे, भूलने वाले कभी तुझको भी याद आता हूँ मैं। कह तो रहा था चंपा, लेकिन क्यों कह रहा था समझ में नहीं आता। तीर चटाना जानते हो, दर्द मिटाना नहीं जानते, बड़े वो हो तुम। साफ साफ क्यों नहीं कहते थे? क्या कहते? जो तुम्हारे मन में। मेरे मन की कहानी अभी अधूरी है चंपा, जिस दिन पूरी हो जाएगी ना
तो तुझे सुनाऊं। भगवान जाने तुम्हारी ये कहानी कब पूरी होगी। अच्छा चलो रोटी खा लो। चल बैठो बैठो। देखो मैंने तुम्हारे लिए आज आलू देकर रोटी पकाई है। आलू देके? आलू की किच्ची किच्ची भाई आलू की रोटी तो मुझे भी बहुत पसंद है। ला दे दे जल्दी दे दे। आज बहुत भूख लगी है। हाँ। जा पानी लिया पानी। भैया खा चुके हो तो उठ जाओ, मेरी तो अभी रोटी बाकी है। ये क्या है बल्लभ, तू अपनी आदत से बाहर नहीं आएगा? अरे पगली ये रोटी भैया को हजम नहीं होगी, आलू के है ना बाजी होती। चंपा फिर आ गए। चंपा बिटिया नमस्ते काका। सुखी रहो। चौधरी को मरे 2 बरस हो गए, मेरे 18 रुपए अभी तक बाकी हैं। खेत चले गए, बाप चले गए, अब तो ये 4 चूड़ियां रह गई काका, कहो तो इन्हें भी उतार दो। अरे राम 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 राम, तुम अपनी चूड़ियां उतारोगी बिटिया? जब सर की ढाल ही उठ गई तो ये हाथ की 4 चूड़ियां कब तक साथ देंगी? तो तुम अपनी चूड़ियां भेजो। मजबूरी है श्यामू। तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपने जीते जी ऐसा नहीं होने दूंगा। बल्लम बल्लम क्या है भैया? मेरा बाजा लाओ, आज मैं बाजार जाऊंगा बल्लम। असीर पन जाए शबाब कल के मुझे कहाँ गया मेरा बचपन खराब करके मुझे हम जिनके लिए बर्बाद वो हमको चाहे करें ना याद जीवन भर उनकी याद में हम गाए जाएंगे एक जमाना था वो पल भर हमसे रहे ना दूर हमसे रहे ना दूर एक जमाना था वो पल भर हमसे रहे ना दूर हमसे रहे ना दूर एक जमाना ये के हुए हैं मिलने से मजबूर मिलने से मजबूर एक जमाना ये के हुए हैं मिलने से मजबूर मिलने से मजबूर वो गम से लाख रहे आजाद सुने ना दर्द भरी फरियाद अफसाना हम तो प्यार का दोहराए जाएंगे गाए जाएंगे मैं हूँ ऐसा दीप के जिसमें ना बाती ना तेल
बचपन बीता बनी मोहब्बत चार दिनों का खेल, चार दिनों का खेल। बचपन बीता बनी मोहब्बत चार दिनों का खेल, चार दिनों का खेल। रहे ये दिल का नगर आबाद बसी है जिसमें किसी की याद। हम दिल को उनकी याद से बहलाए जाएंगे, गाए जाएंगे। हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको चाहे करें ना याद। जीवन भर उनकी याद में हम गाए जाएंगे, गाए जाएंगे। ये लो कविराज। अरे कविराज, तुम्हारी आंखें नहीं आंखें रह गई हैं सरकार, रोशनी जाती है। ओ, तुम्हारी तो दुनिया अंधेरी हो गई। जब बाहर अंधेरा हो जाता है तो घर के चिराग जल उठते हैं। तुम्हारी मुस्कुराहट में अरमानों की चीख सुनाई दे रही है। देखो कविराज, मैंने आंखों की डॉक्टरी पास की है, कल आना मैं तुम्हारी आंखें देखूंगा। मेरी आंखें? जरा ठीक से देखना साहेब, भैया की लालटेन जल गई तो अपनी दुनिया रोशन हो जाएगी। तुम कौन हो भाई? मैं भैया का जोड़ीदार था। गाना तो मैं भी तगड़ा गाता हूँ सरकार। हाँ, कभी फुर्सत से सुनिए, दांत से दांत ना बजने लगे तो मेरा जिम्मा। तो तुम गाना नहीं बुखारी गाते होगे। अच्छा, कल इन्हें जरूर लेते आना। जरूर लाऊंगा माई बाप, भैया आंखों से मार खा गया वरना लाखों में एक। नमस्ते सरकार। नमस्ते। चलो भैया। अच्छा सरकार, नमस्ते। नमस्ते। तुम्हारी आंखों को ऑपरेशन की जरूरत है और ये जाड़े में ही हो सकेगा। जाड़े में कितने दिन है सरकार? समझ लो अब से 8 महीने। आठ महीने। मुझे ऐसा मालूम होता है तुम्हारे दिल में किसी की मोहब्बत करवटे लिया करती, तुम किसी को देखना चाहते हो। सच है ना कविराज? आदमी की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद मोहब्बत है सरकार, और अगर मेरा ख्याल गलत नहीं तो आप भी जरूर किसी से मोहब्बत करते हैं। ये तुमने कैसे जाना? मुझे दर्द सहते सहते दर्द को पहचानने का तजुर्बा हो गया सरकार। तुम्हारा तजुर्बा गलत नहीं, हम दोनों ही मोहब्बत के बीमार हैं। मगर आपने देख कर मोहब्बत की होगी, पर मैं बिना देखे ही आज तक पूजा कर रहा हूं। आपकी और मेरी मोहब्बत में थोड़ा फर्क है सरकार। कविराज, आज से तुम मुझे सरकार न कहना, मोहब्बत के रिश्ते से हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। मुझे उस दिन खुशी होगी जिस दिन तुम भी मेरी तरह किसी का दीदार कर सकोगे। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है सरकार? एक दोस्त का फर्ज इसे मुमकिन बनाकर छोड़ेगा। आस न तोड़ना भगवत, आस न तोड़ना। भैया के भी निकलने में बड़ी देर हो गई। हाँ। ये आंखों की चीर फाड़ ना, कहीं दम तो तोड़ नहीं दिया भैया ने? ऐसी मनहूस बातें ना किया कर बल्लम, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं तुझे भी जान से मार डालूंगी। जान से मार डालूं? अरे जान से मारने की क्या जरूरत है पगली, अगर भैया लंबे हो गए तो हम खुद ही सूख सूख के मर जाएंगे। जान से मार डालूंगी। आंखें ठीक हो गई डॉक्टर साहब? तो बड़ी बेचैन नजर आ रही है। मेरी बेचैनी की बात ना पूछिए, उनकी आंखें रोशन हो जाए वो एक बार मुझे देख ले। कौन है तेरा? वो डॉक्टर साहब।
बात भला मैं कैसे कहूँ, तू लागे मोरा सैया, तू लागे मोरा सैया हो। तू कौन है मेरा कह दे बालम, पढ़ूँ मैं तोरे पैया, ये बात भला मैं कैसे कहूँ, तू लागे मोरा सैया, तू लागे मोरा सैया। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जाड़े में ऑपरेशन करेंगे। भैया की जब आंखें ठीक हो जाएंगी तो मैं डॉक्टर से कहूंगा कि मेरी भी आंखें ठीक कर दो, क्योंकि मेरी आंखों में कीचड़ बहुत आता है, गन्ना जो ज्यादा खाता है। क्या कहा? चंपा ठीक कहती है बिल्डम, अभी तो तेरी आंखों से कीचड़ आती है, आगे चल के रस टपकने लगेगा, तो सच में गन्ना खाना छोड़ दे। गन्ना खाना छोड़? हाँ बिल्कुल छोड़ दे। शामू, हाँ शामू, जब जाड़ों में तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी तो सबसे पहले तुम किसे देखोगे? अभी से कैसे बताऊंगी, न जाने अभी ये दुनिया कैसी है, अभी मैंने कुछ देखा भी तो नहीं। अरे भैया मैं भी देखने की चीज हूँ, कसम भगवान की अगर तुमने मुझे नहीं देखा तो दुनिया में कुछ नहीं देखा। नहीं शामू, ये तो जंगली भैंसा है, सबसे पहले तुम मुझे देखना। सबसे पहले तुझे देख। क्या कहा? मैं जंगली भैंसा? बल्लम बल्लम तो जा, छोड़ दिया। कविराज कहते थे तुम भी मोहब्बत करते हो, तुम ही बताओ मैं किससे मोहब्बत करता हूं। अच्छा जी, तो आप इसी नेक काम के लिए यहां तशरीफ लाए थे? अरे तुम? जी। तो आप यहां मोहब्बत की दुकान सजाए बैठे हैं? खरीदार की कमी थी तो वो भी आ गए। ऐसी खूबसूरत दुकान के लिए खरीदार की क्या कमी? हाँ
की दुकान भी एक होती और खरीदार भी एक। मगर ये तो बताओ, ये शाही सवारी ये काय किधर कैसे आ पहुंची? और डैडी भी साथ आए। सच? जी, पहले चलकर उनसे मिल लीजिए और मेरी आपकी बात बाद में होंगी। मैंने लाख कहा कि पहले तार दे दो, मगर न जाने इसे क्या विधि तुमसे। कहने लगी यकायत पहुंचेंगे तो किशोर बाबू ज्यादा परेशान होंगे। ये तुम्हें परेशान करना क्यों चाहती है? इन्हें परेशान करने के सिवा और आता ही क्या है? भाई जवाब भी भरना। चलिए दादी। ये कौन सी किताब देखी जा रही है? तुम नहीं समझ सकोगी। मेरा मतलब है, कहीं सुबह वाली दुकान इस वक्त तो नहीं सजा रखी? अरमानों की दुकान कब बंद होती है? कभी आंखों से सौदा होता है, कभी दिल से। तो यूं कहिए, आप डॉक्टर कम हैं और बीमार ज्यादा? जी हाँ, और मुश्किल है कि डॉक्टर सबका इलाज कर सकता है पर अपना इलाज नहीं कर सकता। आपका इलाज कौन करेगा? जो मर्ज को जानता हो। और मर्ज कौन जानता? आंखों का डॉक्टर मैं हूं और दिल का डॉक्टर ही है। आप बड़े हो। नजर फेरो न हमसे, हम हैं तुम पर मरने वालों में। नजर फेरो न हमसे, नजर फेरो न हमसे, हम है तुम पर मरने वालों में। हमारा नाम भी लिख लो मोहब्बत करने वालों में, मोहब्बत करने वालों में। छिप के आए भरने वालों में। हमारा नाम भी लिख लो मोहब्बत करने वालों में, मोहब्बत करने वालों में। क्या करेगा मौत जब
लद गई पानी भरने। भैया पैसे की बात करो, पैसे की। अकलमंद आदमी पैसे को भगवान समझते हैं। इज्जत के सामने पैसा कोई चीज नहीं। धनवान जब मरता है ना बल्लम, तो घर वाले ही रोते हैं, मगर इंसान जब मरता है तो सारी दुनिया मातम करती है। तेरे की कभी फायदे की बात नहीं सोचोगे। क्या कह रहा था बल्लम? गंवार का ढोल कभी सुर में बजाए, कहता है डॉक्टर को लूट लो, भले शराफत भी कोई लूटने की चीज है। वो तो पागल है। लो तुम ये अमरूद खा लो चुपके से, मैंने अपना हिस्सा तुम्हारे लिए रख लिया था। तू अपना हिस्सा हमेशा मेरे लिए रख छोड़ती है, लेकिन मेरे हिस्से में तेरे लिए कुछ नहीं चुनता। काश मैं भी तुझे कुछ दे सकता। तुमने तो अपना जीवन दे दिया है, अब और क्या दोगे मुझे? लेकिन ये जीवन भी तो मेरा नहीं। अब जिस चीज पर मेरा जरूरत नहीं, उसे तू कैसे हासिल कर सकती? मैं जीवन से जीवन बदल लूंगी, जैसे मिट्टी और मूर्ति। फिर तुम मेरे बन जाओगे और फिर तुम्हारी बन जाऊंगी। भैया जल्दी चलो, सुना है कि डॉक्टर के यहाँ बड़ी मोटी आसामी आई है, जल्दी चलो नहीं तो खिसक जाएगी। जल्दी की क्या जरूरत, हमें तो आज जाना ही है ना बल्ला। हाँ माला, दिल पहले ही दे चुका था, अब मेरी जिंदगी भी तुम्हारी हो चुकी है। और अगर मैं इस जिंदगी को कबूल न करूं तो? तो लगन मंडप में बैठ के पंडित से कबूल करवा लेंगे, मुझे तो उसी दिन का इंतजार है। इंतजार की आग एक ही तरफ नहीं सुलगती, कोई कह सकता है कोई नहीं कह सकता। मेरा दोस्त बहुत अच्छा गाता है, सुनोगी? जी हाँ, उसे यहाँ बुलवाइए ना। बुलाने की क्या जरूरत, तो खुद ही आ जाएगा, दोस्त उठा रहा है। आओ आओ कविराज, आओ। आज वो गीत सुनाओ जिसे तुम दिल के तारों पर गाया करते हो। आप दिल की आवाज क्यों सुनना चाहते हैं लड़का? आज दिल से दिल का तार मिला है, आंखें आंखों के मेहमान हुए। आंखें होती तो आज मैं भी आपके मेहमान को देख लेता, और तो किसी काबिल नहीं, दुआएं देकर ही जी खुश कर लेता। मुझे देखकर क्या करोगे कविराज, गाना सुना, मुझे गाने का बहुत शौक है। नसीब दर पे तेरे आजमाने आया हूँ, नसीब दर पे तेरे आजमाने आया हूँ, आजमाने आया हूँ। नसीब दर पे तेरे तुझी को तेरी कहानी, तुझी को तेरी कहानी सुनाने आया हूँ। नसीब दर पे तेरे आजमाने आया हूँ, जो नगमे सोए हुए हैं तेरे ख्यालों तेरे ख्यालों में, जो नगमे सोए हुए हैं तेरे ख्यालों में,
उन्हीं को आज मैं गाकर उन्हीं को आज मैं गाकर जगाने आया हूँ। नसीब दर पे तेरे हाय नसीब दर पे तेरे आजमाने आया हूँ आजमाने आया हूँ। ओ बहा भी दे मेरी हालत पे आज दो आंसू आज दो आंसू बहा भी दे मेरी हालत पे आज दो आंसू मैं अपने दिल की लगी को मैं अपने दिल की लगी को बुझाने आया हूँ। नसीब दर पे तेरे हाय नसीब दर पे तेरे आजमाने आया हूँ आजमाने आया हूँ। हो अगर वो सामने होते तो उनसे ये कहता अगर वो सामने होते तो उनसे ये कहता तेरे हुजूर में बिगड़ी तेरे हुजूर में बिगड़ी बनाने आया हूँ। नसीब दर पे तेरे आजमाने आया हूँ। गाना खत्म हो गया सरकार। ओ, गाना खत्म हो गया। बड़ा दर्द है तुम्हारे गाने में कविराज। दर्द का दूसरा नाम गाना है सरकार। मैं गाने की शक्ल में अपना दर्द ही गाया करता हूँ। ये लो। ये लो 10 रुपए। कल फिर आना। भगवान जोड़ा सलामत रखे। चलो भैया सारी थकान दूर हो गई। चलो नमस्ते। नमस्ते। ठहरो कविराज जी। निकल चलो भैया नोट छीन कर रेजगारी दे देगी। कल आओगे ना? जी हाँ जरूर आना। जी हाँ। और जब तक मैं यहाँ हूँ रोज आते रहना। बहुत अच्छा। इसी बात हम दोनों ही साथ में आएंगे सरकार। अगर भैया को देर हो जाएगी तो मैं खींच के ले आऊंगा। अच्छा। चलो भैया। चंपा चंपा बड़ी सखी माई आई है। डॉक्टर तो एक ही रुपया देकर टरका दिया करता था, उसने 2 रुपए दिए भैया को। अरे बल्लम, मैंने तो कुछ 10 रुपए की आवाज सुनी थी। आंखें ठीक हो जाएं तो कान का भी इलाज करवा लेना, ऊंचा सुनने लगे हो भैया आजकल। 10 नहीं 2 कहे थे 2। अबे तेरी जेब है या मदारी की झोली? अगर तू 10 के 2 बना सकता है ना तो मैं भी एक खोपड़ी की 2 कर दूंगा 2। अरे भैया तुम तो खामखा नाराज हो। चंपा ला तो मेरा डंडा ला तो। अरे भैया तुम्हारी आंखें चली गई मगर रोशनी अभी तक बाकी। लो भाई लो 10 रुपए। यहाँ दाल नहीं गले, बिड़ी के भी पैसे नहीं रहने। 10 रुपए। वो औरत नहीं लक्ष्मी मालूम होती है, एक देवी आई है हमारा घर बसाने। अरे सुबह 10 बजे बुलाया है रोज नाश्ते के वक्त, मेरा ख्याल है खाना खाने के भी वक्त जाया करेंगे। नहीं है? हम रुपए के लिए कला को जलील नहीं करेंगे। अगर हमें 10 बजे बुलाया तो हम 10 बजे ही जाएंगे। तुम लोगों को फायदे की बात कभी समझ में नहीं आती। 10 बजे जाओ, 10 बजे बुलाया। अब क्या लेने आए हो मास्टर?
वो जो बेचते थे दवाए दिल वो दुकान अपनी बढ़ा गए। तार आया था, सभी को जाना पड़ा। अब कोई और दरवाजा देखो। चलो भैया, नसीब का फाटक बंद हो गया। कहा था पहले ही दू लेना था। खुश हूं तुम शामनगर से कुछ लेकर ही आई हो। सच पूछिए तो मैं कुछ खोकर आई हूं वहां। क्या खोकर आई हो? कविराज की बातें और उसका गाना। खूब गाता था गरीब। हाँ, जानती हो माला, कविराज किसी से मोहब्बत करता है और मैं भी। इस रिश्ते से हम दोनों एक दूसरे के दोस्त। मेरे ख्याल में आपकी मोहब्बत कविराज की मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकती। क्यों? वो दर्द पर मरता है और आप कागज की तस्वीर पर। सरकार, क्या है? आपको बड़े हुजूर बुला रहे हैं। तुम चलो, मैं आता। आओ किशोर, बैठो। मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था।
क्या हुआ? अब तुम आंखों का अस्पताल खोल ही डालो, मुझे तुम्हारे और माला के बारे में अभी और कुछ सोचना है। जी, मैंने कविराज से वादा किया है कि उसकी आंखों का ऑपरेशन करूंगा, इसलिए चाहता हूं कि अस्पताल खोलने से पहले अपनी तालीम का इम्तिहान ले। बड़ी खुशी की बात है, तो उसे यहीं ले आओ, इलाज में भी आसानी हो जाएगी और मैं भी कुछ खिदमत कर सकूंगा। न जाने बेचारा किन मुसीबतों का मारा हुआ। जब से वो लोग गए हैं तुमने बाजार जाना ही छोड़ दिया, हर वक्त बैठे बैठे कुछ सोचते रहते हो। क्या सोचा करते हो? मुझे ये जिंदगी पसंद नहीं चंपा, मैं अपने जीवन का एक नया महल बनाऊंगा। महल? हाँ, बहुत ऊंचा और शानदार महल जिसे देखने लोग बहुत दूर दूर से आया करें। उसके सामने एक तालाब भी बनवाना। हाँ चंपा, और उसमें कश्ती भी होगी, और उस कश्ती में बैठकर हम इस किनारे से उस किनारे तक जाया करेंगे। और उस किनारे पे एक बाग भी होना चाहिए। हाँ, और उस बाग में एक चबूतरा भी होगा, और उस चबूतरे पर बैठकर हम दोनों अपने दिल की तार छेड़ा करेंगे। पर इतना रुपया कहाँ से लाओगे? मैं एक किताब लिख लूंगा, फिर हमारे पास ढेर भर रुपया आ जाएगा, और तुझे तो मैं माला माल कर दूंगा। पगली, लिखोगे कैसे? तुम्हारी आंखें कहाँ हैं? हाँ, ठीक कहती है तू, मेरी आंखें कहाँ हैं? मैं तो अंधा हूं। डॉक्टर साहब आइए आइए, भैया ने आपके गम में खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है, कसम भगवान। अरे भैया, ए भैया, 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 ए भैया, सखी बाबा आ गया। कहो तो बाजा ले आओ। डॉक्टर साहब, हाँ कविराज, अब चलने के लिए तैयार हो जाओ, मैंने जो तुमसे वादा किया था अब उसे पूरा करना है। चंपा, चंपा, डॉक्टर साहब आ गए। अब मैं अंधा नहीं रहूंगा चंपा, और न मुझे किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी। सुनती हो चंपा, डॉक्टर साहब आ गए। चंपा, नहीं, मैं तुम्हें परदेश नहीं जाने दूंगी। परदेश में मुसाफिर लूट लिए जाते हैं। इस समझाइए ना डॉक्टर साहब, अब मेरे पास लुटने के लिए और क्या बाकी रहता है? घबराओ नहीं चंपा, मैं तुम्हारी अमानत लिए जा रहा हूँ और इसे हिफाजत के साथ तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। हाँ डॉक्टर साहब, जल्दी ले जाइए। आज भैया 10 रुपए कमाता है, कल 20 कमाएगा। हम एक नौटंकी खोलेंगे, नौटंकी। खूब पैसे मिलेंगे, बड़े मजा होगा, है ना भैया? पहुंचने की चिट्ठी लिख देना शाम, मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं। जिसका कोई नहीं उसका भगवान है चंपा। भगवान ही को सौंपती हूँ तुम्हें, वही तुम्हारी हिफाजत करेगा। न जाने आप कब लौटोगे, ये मेरी आखिरी सेवा है शाम, इसे स्वीकार करो। शाम, नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। अच्छा, जाकर भुला न दे।
वो लोग आ गए। सुनो, कविराज को यहाँ ले आओ। आओ कविराज। संभल कर कविराज, यहाँ चबूतरा है। बैठ। आराम से बैठो कविराज। हाँ जी। लाइए मुझे दे दो। ये तुम्हारा पलंग है और ये तुम्हारा कमरा। कहीं इस पलंग की तरह ये कमरा भी तो नहीं उछलता सरकार? डर है कहीं ऊंची जगह से गिर ना जाओ। हम जो है तुम्हें सहारा देने के लिए। मेरी आंखें कब तक ठीक हो जाएंगी सरकार? अब ज्यादा देर नहीं कविराज, मैं जल्दी ऑपरेशन का बंदोबस्त करता हूँ। चलाओ अच्छे अच्छे पैसे, चलाओ अच्छे अच्छे पैसे। यार, ये सदरी है या मजनू का कफन? तू ठीक कहता है यार, तू ठीक कहता है यार। चाचा मर गए मगर अपनी यादगार छोड़ गए। दादा ने पहनी, बाप ने पहनी, पहन के मैली कीनी। अरे दास बल्लम जुगत से पहनी, ज्यू की त्यू धर दीनी। अरे भैया ये सदरी नहीं है, इसे पहन के देखो, ये मोहब्बत का कंटोप है, कंटोप। यारो ये भी मजनू के खानदान का दिखता है। तुम ठीक कहते हो यार, जरा फर्क है। वो लैला के लिए पागल हुए थे और यहाँ पेट ने मजनू बना दिया। कब्र मजनू पर किसी ने जाके पूछा ये सुखुन, इश्क लैला अब भी बाकी है तुझे। ऐ खस्ता तन, अरे कब्र से चिल्ला के बोला, फाड़ कर मुंह से कफन। क्या बोला? चलाओ छछे पैसे, चलाओ छछे पैसे। इस तोहफे को तो बस अपने ही पास रहने दो। अरे मजनू की यादगार तुम बेच रहे हो और तुम्हारी यादगार कोई और बेचेगा? चलाओ छछे पैसे, चलाओ छछे पैसे, चलाओ छछे पैसे। अरे भाइयों चलाओ छछे पैसे, चलाओ छछे। सब चले गए, आज भी तकदीर में रोटी नहीं। कहाँ जा रहा है बल्लभ? कहीं नहीं भैया, जिसने पैदा किया उससे रोटी मांगने जा रहा हूँ। तूने मेरी मुर्गी देखी है? अरे कैसी बातें करते हो भैया, कोई बड़े जानवर का नाम लो। ये छोटी मोटी मुर्गी देखकर, मुर्गी बटेर देखकर तो मैं अपनी आंखें बंद कर देता हूँ। मैं तेरी सदरी देखूंगा। इसे ना देखो भैया, इसमें मेरी इज्जत छुपी हुई। नहीं कुछ भी हो जाए भैया, मैं तो देखूंगा जरूर। अरे तूने ये धंधा कब से सीखा? क्या बताऊं भैया, शिकारी तो मैं शेर का हूँ मगर वक्त ने मुर्गी पकड़ने पे मजबूर कर दी। बड़ा आया वक्त वाला, वक्त ने मजबूर कर दिया। जय भवानी। कुत्ता तो मेरी जान ले लेता। तू मेरे कुत्ते को तकलीफ दिया? नहीं माई, तूने तो बाघ पाल रखे। मैं अभी जाके पुलिस चौकी में रिपोर्ट लिखाता हूँ। मेरे कुत्ते हर एक को कभी नहीं काटते, वो बहुत शरीफ है। शरीफ है तो अपने गले में बांध के क्यों नहीं रखती? ये आने जाने वाले को क्यों परेशान करता? परेशान है? मैं माफी मांगता। माफी आफी से काम नहीं चलेगा मैम साहब, रुपया निकालो रुपया। तुम बदमाश है। अरे ओ चंपा। क्या है बल्ला? चंपा जरा मेरी नाड़ी तो देख, मैं जिंदा हूँ या मर गया? अरे बात क्या है पहले वो तो बताना। अरे मैम साहब के कुत्ते ने पकड़ लिया था, मैं बच के चला आया, नहीं तो मेरे लिए चंदा जमा करना पड़ता। पैसे नहीं मिले? पैसे मिलते कहाँ से भैया, और मुझ में क्या फर्क है? वो आज पता चला, वो गाते थे तो पैसे बरसते थे और मैं गाता हूँ तो कुत्ते लिपट जाते।
मैं आपको देख सकता हूँ डॉक्टर साहब, मैं आपको देख सकता हूँ। तुमसे वादा किया है और पूरा होगा। मैं जानता हूं तुम्हारी मंजिल कहां है। आप नहीं जानते हैं डॉक्टर साहब, मेरी मंजिल बहुत दूर है। क्या मतलब? आज से 14 साल पहले बचपन के रूप में मैंने एक बिजली देखी थी। मैं जल रहा था और बिजली जला रही थी, मगर आकाश को यह खेल पसंद ना है, पतंगा दीप से अलग कर दिया गया और आज तक अलग है। तो तुम्हारा घर श्यामनगर नहीं? नहीं, मैं दौलतपुर का रहने वाला। दौलतपुर? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शामू है डॉक्टर साहब। और वो बिजली कौन थी? सेठ दौलतराम की अकलौती बेटी माला। माला? आप ये नाम सुनकर परेशान क्यों हो गए डॉक्टर साहब? तुम माला से मोहब्बत करते हो? जी हाँ, जिसने कल मेरा घर फूंका था मुझे आज भी उसी बिजली की तलाश है। बताइए ना डॉक्टर साहब, मुझे कहाँ मिलेगी? तुम्हारी बिजली यही है, लेकिन आपने आंखें देने से पहले दर्शन कराने का वादा किया था डॉक्टर साहब। अब आग और ईंधन को एक जगह कर दीजिए, अब बिस्मिल और कातिल का सामना हो जाए। मैं और इंतजार नहीं कर सकता डॉक्टर साहब। कविराज, मैंने तुम्हें दिखाने का वादा किया था, सो तुम देख सकते हो, लेकिन उसे बचपन नहीं याद दिला सकते, इसका वादा मैंने नहीं किया था। मुझे ये शर्त भी मंजूर है, आप एक बार पुजारी को उसकी देवी तक तो पहुंचा दीजिए डॉक्टर साहब। किशोर बाबू, मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ। तजर्बे की दुनिया में यह आपकी सबसे बड़ी जीत है। सच पूछिए तो मोहब्बत की जीत है। कविराज का दिल किसी को देखना चाहता था, मैंने रास्ते का अंधेरा दूर कर दिया। क्यों कविराज? तुम्हें किसी की देखने की तमन्ना थी कविराज? जी हाँ, और वो पूरी हो गई। अच्छा, वो कहाँ है और कौन है? उसके दामन तक गरीब की नजर जा सकती है, हाथ नहीं पहुंच सकता। खैर, ये कहानी हम फिर सुनेंगे। हाँ, कल हमने तुम्हारे गाने का प्रोग्राम रखा है, ठीक है ना? भूल हो गई काकी, अब मुझे खुद ही ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। मगर जाओगे कहाँ? कुछ पता ठिकाना भी मालूम है? थोड़ा मालूम है। थोड़ा किसी से पूछ लूंगी,
ढूंढते ढूंढते तो इंसान भगवान तक पहुंच जाता है। आओ कविराज। देख लिया मैंने किस्मत का तमाशा, देख लिया एक आग बुझी एक आग लगी आँखों ने मेरी क्या, देख लिया देख लिया मैंने। देख लिया एक आग बुझी एक आग लगी आँखों ने मेरी क्या, देख लिया मैंने। किस्मत का तमाशा देख लिया। माफ करना बेटा, तू कौन है, किसके पास आई है? मैं क्या करती है? बड़े लोगों को इस तरह नहीं पुकारती। मैं इन्हीं से मिलने आई हूँ बाबा, ये मेरे समझ गया, कल कबीराज थे आज उनकी आंखें बन गई हैं, पहचानेंगे तुझे। पहचान लेंगे बाबा, वो चंपा को कभी नहीं भूल सकते। तो चल मैं उनके कमरे में पहुंचा देता हूँ। जिसका तुम्हारे सिवा कोई नहीं। तुम चंपा हो? शामू। चंपा। शामू। चंपा।
शामू तुम्हारी आंखें ठीक हो गई। शामू देखो शामू, मैं तुम्हारे लिए अमरूद लाई हूँ। शामू शामू तुम्हें बहुत पसंद थे ना शामू, जब से तुम आए गाँव वो गाँव से नहीं गिरा, बहारें अब भी आती मगर वो फूल नहीं खिलते, बादल अब भी आते मगर वैसी बरखा नहीं होती। शाम जानती है चंपा बात की सूखी डाल हरी करने के लिए, और उसके बाद कहीं और चले जाते। मैं भी बादल ही था चंपा, जो थोड़ी देर के लिए तुम्हारी दुनिया में आकर उससे अलग हो गया। मुझे भूल जाओ चंपा, भूल जाओ। मगर क्यों भूल जाऊं? अंधा शामू मेरा था और आंखों वाला किसी और का हो गया। शामू जिसका था वो उसके पास पहुंच गया है चंपा, आपकी बातें एक नजर फेर ली, महलों में आकर झोपड़ियों को बिल्कुल भूल गई। कैसी का नाम तो क्या है? परदेसी की दुनिया ऐसी ही होती है चंपा। मैंने तुम्हें परदेसी नहीं जिंदगी भर का सहारा समझा था, ये न जाना था कि बाह पकड़ कर संग छोड़ दोगे, ये न समझा था कि घर बसा कर दुनिया उजाड़ दोगे। शामू तुम्हारा नहीं किसी और का है चंपा, तुमने मुझे घर में रखा, मेरी खिदमत की, और इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूं। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता चंपा। मगर प्यासा अपने सागर तक आ पहुंचा है, उसे सागर की लहरों में डूब जाने दो चंपा। देखो चंपा, चंपा दुनिया ने तेरी दुनिया।
मैं बहुत खुश हूँ किशोर, कविराज की आंखें बनाकर तुमने अपना रास्ता दूसरे डॉक्टरों से बिल्कुल अलग कर लिया। जी हाँ, मैंने ठीक वक्त पर ही अपना रास्ता अलग कर लिया है। जब आंखें दी हैं तो दुनिया भी दिखाओ इन्हें, कोई काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आप इत्मीनान रखिए, मेरा काम कभी अधूरा नहीं रहेगा। बचपन के दिन बुला न देना, ओ बचपन के दिन बुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन बुला न देना। रुत बदले या जीवन बीते, दिल के तराने हो न पुराने, रुत बदले या जीवन बीते, दिल के तराने हो न पुराने, ओ नैनों में बन कर सपना सुहाने, आएंगे एक दिन यही जमाने याद हमारी मिटा न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, भुला न न जाने कविराज के गाने में क्या चीज थी, मैं अपने आप को संभाल न सकी। क्या तुम उसे पहले से जानती? मैं यकीन से नहीं कह सकती, लेकिन ऐसा मालूम होता है जैसे जैसे कविराज के गाने से मेरे बचपन को कोई खास ताल्लुक था। अब से पहले भी ये गीत मैंने कहीं सुना था। ये तुम्हारा वहम है, तुम आराम करो।
आग बुझा रहे हो? कोशिश कर रहा हूं, मगर बहुत तेज आगे बुझती नहीं। तुमने बहुत खतरनाक रास्ते पर कदम रखा है कविराज, अगर लौट सकते तो लौट जाओ, जिंदगी से ज्यादा खूबसूरत कोई चीज नहीं। आपने माला को कभी गौर से नहीं देखा डॉक्टर साहब, वो जिंदगी से भी ज्यादा खूबसूरत है। आप भी मुझसे नाराज हो गए डॉक्टर साहब। तुम जा, मैं आता हूं। आओ किशोर, बैठो। मैं अब तुम्हारी और माला की शादी से फुर्सत पा लेना चाहता हूं। शादी? हाँ बेटा, इस घर में लगन के बाजे आज तक नहीं बजे, यहाँ खुशी के चिराग कभी नहीं जलाए गए। ये शादी नहीं, मेरे अरमानों की दिवाली। हर दिवाली में दीप से दीप जलाए जाते हैं, इसमें एक दीप बुझाकर दूसरा जलाना होगा। आप इसके लिए तैयार हैं? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मैं माला से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन एक शख्स पूजा करता है। मैंने दिल दिया है, उसने दुनिया दे दी है। इंसाफ से देखिए तो शादी का हकदार वही है। तुम पागल हो गए हो? लेकिन जो कह रहा हूं वो पागलपन नहीं है। दुनिया सिर्फ पाने की कोशिश करती है, लेकिन पाकर खो देने में जो मजा है उसे कोई नहीं जानता। माला का हकदार मुझसे ज्यादा शामू। शामू? कौन शामू? जिसे हम लोग कविराज कहकर पुकारते हैं। ये वही शामू है, वही भिखारी। मोहब्बत अमीरी और गरीबी के तराजू में नहीं तोली जाती। मैंने जवानी में देखा और पसंद किया, लेकिन वो बचपन से आज तक पूजा कर रहा है। मैं शामू से जीत सकता हूं, मगर उसकी मोहब्बत से नहीं जीत सकता। अभी तीर हाथ में, अच्छी तरह सोच लीजिए। हजूर कविराज जा रहे हैं। हजूर कविराज इस घर से जा रहे हैं। कविराज, मैं तुमसे माफी चाहता हूं। कविराज तुम जा नहीं सकते। कभी हंसाते हो, कभी रुलाते हो, ऐसा क्यों है डॉक्टर? दिल का खेल ऐसा ही होता है, इससे ज्यादा पूछने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो भरोसा रखो, जीत तुम्हारी होगी। जीत मेरी होगी, और हारेगा कौन डॉक्टर? जिसे हारना था वो हार चुका।
चले गए थे कविराज? बिगड़ी हुई तकदीर को बनाने गया। बन गई तुम्हारी तकदीर? जी हाँ, अब इसे कोई नहीं बिगाड़ सकता। अब पतंगा दीप से कभी अलग नहीं किया जाएगा। कहाँ है तुम्हारा दीप? पतंगे के मुंह में जबान नहीं होती, वो तो देख सकता बोल नहीं सकता। डॉक्टर साहब ने मेरी मोहब्बत को तबाही से बचा लिया, भगवान करे उनकी मोहब्बत भी कामयाब। जानते हो कविराज, वो किससे मोहब्बत करते हैं? मैं जानने की जरूरत नहीं समझता, बस दिल से यही दुआ है कि उनका जोड़ा सलामत रहे। तुम ये सुनकर और खुश होगे कि मेरी और किशोर बाबू की शादी होने वाली है और हम बहुत जल्द एक दूसरे के जीवन साथी बन जाएंगे। क्या कहा आपने? हमारी जिंदगी का सुहाना दिन बहुत जल्द आने वाला है। तुम्हारी जिंदगी का सुहाना दिन कब आएगा? वो तो आकर चला भी गया, अब शायद कभी ना आएगा। अभी तो कुछ और कह रहे थे। मजाक कर रहा था, जिनकी किस्मत में खुशी नहीं होती वो इसी तरह अपना दिल बहला लिया करते। तुम जिसके लिए तड़पते हो क्या वो तुम्हारे लिए नहीं तड़पते? पत्थर कभी नहीं तड़पा करते। बड़ी संग दिल है। थी नहीं, हो गई। किसी दिन मुझे दिखाना। आप तो उसे रोज ही देखती हैं, वो इस वक्त भी आपके सामने ही है। मेरे सामने तो मेरी तस्वीर है। वो भी एक ऐसी ही तस्वीर है। मगर वो है कहां? पहले वो मेरे दिल में रोशनी बनकर आई थी, अब आंखों में आंसू बनकर रहती है। जब भी तुम्हारे गीतों में इतना दर्द है, आज भी अपनी मोहब्बत का कोई नया गीत सुनाओ। अच्छा सुनिए। मेरी कहानी भूलने वाले, कहानी भूलने वाले, तेरा जहां आबाद रहे मेरी कहानी। तेरी खुशी पर मैं मिट जाऊं, दुनिया मेरी बर्बाद रहे मेरी कहानी। मेरे गीत सुने दुनिया ने मगर, मेरा दर्द कोई ना जान सका, ना जान सका। एक तेरा सहारा था दिल को, एक तेरा सहारा था, तू भी ना मुझे पहचान सका, मुझे पहचान सका। बचपन के वो गीत पुराने आज तुझे ना याद रहे मेरी कहानी। मैं अपना फसाना कह न सका, मेरे दिल की तमन्ना दिल में रही। लो आज किनारे पर, लो आज किनारे पर आके अरमान
अरमानों की कश्ती डूब गई, किस्मत को मंजूर यही था लपे मेरे फरियाद रहे मेरी कहानी, मेरी कहानी भूलने वाले तेरा जहां आबाद रहे। डॉक्टर साहब, कविराज, इस वक्त कैसे आए? आपका शुक्रिया अदा करने, आपने मेरी दुनिया ही बदल दी है, मुझे वो चीज दी जो दुनिया में कोई किसी को नहीं दे सकता, जो अपनी दुनिया दूसरे को दे दे वो इंसान नहीं देवता है। एक दान आपसे और मांगने आया, वादा कीजिए कि मायूस नहीं करेंगे। कहो। डॉक्टर साहब, मुझे मेरा अंधापन वापस कर दीजिए, मैं शराफत की बाजी हार के मोहब्बत की बाजी जीतना नहीं चाहता। तुम भूल रहे हो कविराज, तुम्हारी आंखें मेरे तजुर्बे का ताजमहल है। मगर इस ताजमहल में इंसानियत का फर्ज दफन हो गया है, इसे ढा नहीं होगा, इसे मिटा नहीं होगा। डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता, ताजमहल बार बार नहीं बना करता। इस वक्त जाओ, मैं कल तुमसे बात करूंगा। डॉक्टर साहब, न करो शामो, मेरा काम अधूरा रह जाएगा। शामू, इस बात को अच्छी तरह समझते हुए कि मैं एक लड़की का बाप हूं, जो कुछ पूछूं उसका ठीक ठीक जवाब दो। मैं आपसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं समझता। तुम माला से मोहब्बत करते हो? मोहब्बत करना गुनाह तो नहीं? माला राजकुमारी है और तुम उसकी ड्यूड़ी के भिखारी, भिखारी होकर राजकुमारी का दामन छूने की कोशिश न करो वरना तुम्हारे हाथ तोड़ दिए जाएंगे। आपने सजा कम बताई है। हवस ने तुम्हें पागल कर दिया है, लेकिन ये सोच लो कि माला की शादी होने वाली है और तुम खुशी के रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो गए हो। जिसने तुम्हें रोशनी दी तुम उसकी मांग का सिंदूर नोचना चाहते हो, जिसने तुम्हें दुनिया दिखाई तुम उसका घर बर्बाद करने आए हो। क्या इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ इंसानियत का सलूक किया था? इस एहसान का बदला किस चीज से उतारा जा सकता है? ये रुपया है और ये रिवाल्वर, या तो रुपया लो यहां से दूर चले जाओ या रिवाल्वर उठाओ मुझे हलाक कर दो, दो में से एक चुन लो अपने लिए। ये रुपया लो यहां से दूर चले जाओ, ये रिवाल्वर लो और आपको हिला कर। हाँ, या तो मेरे रास्ते से हट जाओ या मुझे अपने रास्ते से हटा दो। मोहब्बत सुन सहना जानती है, जुल्म करना नहीं जानती। आप ये चीजें अपने पास रखिए और आपकी ख्वाहिश के बगैर भी पूरी हो जाएगी। कविराज,
सोच रहे हो कविराज? जीवन की गुत्थी उलझ गई है, उसे सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मगर आप इस वक्त यहाँ कैसे हैं? तुम्हारा सूट सिलकर आ गया और ये ऐनक भी मंगवा ली है मैंने। तुम्हारी आंखों से पानी आता है ना? मगर अब आपने ये सब क्यों किया? इन्हें वापस ले जाइए। दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती। फिर हमारी शादी भी तो करीब आ रही है, तुम हमारी शादी में पहनोगे क्या? हाँ, शादी में पहनूंगा क्या? कुछ तो पहनना होगा शादी में। हाँ, ये लो। आप जा रही? क्यों, कुछ कहना है तुम्हें? ऐसा जी जाता है आज आपको जी भर के देख लूं। आज क्या हो गया तुम्हें? जरा मेरी आंखों की तरफ देख लीजिए, ऐसे मालूम होता है जैसे इनमें कोई कांटा चुभ गया। नहीं तो मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आता। एक बार फिर देख लीजिए, शायद कुछ नजर आ जाए। कुछ भी तो नहीं कविराज, तुम आराम करो। अच्छा, कल मिलेंगे। मैंने सिर्फ दिखाने का वादा किया था, सो तुम देख सकते हो, लेकिन उसे अपना बचपन याद नहीं दिला सकते। मैंने इसका वादा नहीं किया था। तुम ये सुनकर और खुश होगे। मेरी और किशोर बाबू की शादी होने वाली है और हम बहुत जल्द एक दूसरे के जीवन साथी बन जाएंगे। लेकिन ये सोच लो कि माला की शादी होने वाली है और तुम खुशी के रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो गए हो। जिसने तुम्हें रोशनी दी तुम उसकी माँ का सिंदूर नोचना चाहते हो। जिसने तुम्हें दुनिया दिखाई तुम उसका घर बर्बाद करने आए हो। क्या इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ इंसानियत का सलूक किया था? सूरत की मोहताज नहीं होती, पूजा देखे बगैर भी हो सकती है। आंखों के लिए दिल को वीरान न कर, बुझा दे इन चिरागों को जो तेरे लिए अंधेरा बन गए। बुझा दे इन चिरागों को, 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 नहीं तो प्यार रुसवा हो जाएगा, दुनिया तुझे खुद खर्च करेगी। बुझा दे इन चिरागों को, बुझा दे इन चिरागों को, बुझा दे इन चिरागों को। कविराज, कविराज, दरवाजा खोलो कविराज, दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। कविराज, दरवाजा खोलो कविराज, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। कविराज, कविराज,
मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। ये तुमने क्या किया कविराज, ये तुमने क्या किया? बंद के द्वार बंद कर लिए, अब जोर नहीं घुसेगी। डॉक्टर साहब, मैंने कहा था जीत तुम्हारी ही होगी, तुमने मेरे वादे का इंतजार ना किया और जीत हुई बाजी हरा दी। कुछ बाजियां ऐसी भी होती हैं डॉक्टर साहब, जिन्हें जीतने से ज्यादा हारने में मजा आता है। अब तुम्हारी वाला तुम्हें मुबारक हो, मेरी माला हमेशा मेरे पास रही। ये तुमने बहुत बुरा किया कविराज, बहुत बुरा किया। जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, अच्छा ही हुआ डॉक्टर साहब। अब एक ख्वाहिश बाकी रह गई है, उसे भी पूरा कर दीजिए। क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? मैंने ये दुरंगी दुनिया बहुत देखी, अब मैं से और देखना नहीं चाहता। मुझे जहां से लाए थे वहीं पहुंचा दीजिए डॉक्टर साहब, और वादा कीजिए कि मेरी मोहब्बत का राज किसी को जाहिर नहीं होगा। वादा कीजिए डॉक्टर साहब, वादा कीजिए, वादा कीजिए। उठो, उठो। शामु, 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 चंपा, चंपा, कहाँ चली चंपा? भैया वो आ रहे हैं। अरे नहीं चंपा, भैया, कब तक ये सपने देखती रहेगी पगली? भैया, डॉक्टर जालिम ने हमें लूट लिया, अब भैया नहीं आएगा चंपा। चंपा, चलो, शामु, चंपा, शामु, चंपा, शामु, 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 तुम आ गए शामु। हाँ चंपा, शामु तुम आ गए शामु। हाँ चंपा, मैं मगर अब तुम्हारी माँ आंखें तो नहीं है, कब्र तो नहीं है शामु। मैं उन कांच के टुकड़ों को वहीं फेंक रहा हूँ चंपा, अब ये सुनहरा संसार मुझे कभी धोखा नहीं। चले गए। मैं जानता हूं, उन्होंने मेरे तजुर्बे का ताजमहल भी तोड़ दिया। मगर बात क्या थी, वो चले क्यों गए? उन्होंने अपनी आंखें क्यों फोड़ ली? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। आप जानते हैं उन्होंने अपनी आंखें क्यों फोड़ ली? शायद आंखों ने उस गरीब के दिल का सुकून छीन लिया हो। बेचारा, वो हमारी शादी भी ना देख सका। शादी? हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको चाहे करे ना याद जीवन भर। जीवन भर उनकी याद में हम गाए जाएंगे, गाए जाएंगे। हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको चाहे करे ना याद जीवन भर। जीवन भर उनकी याद में हम गाए जाएंगे।